भी होगा, और सरकार की जवाबदारी पहले बनती है कि आंदोलन हो ही ना, आप उनकी समस्या का समाधान कर दें, आंदोलन क्यों होगा? पर लोकतंत्र में इसके अलावा कोई और मार्ग भी नहीं। किसान जैसे बेचने आता है तो उसको क्या करें? किसान अगर बेचने आया है, किसान का SMS आया है अगर चने का गेहूं का, उसको छूट दी गई क्योंकि बारिश 11 तारीख से आ रही है, तो किसान का मंडी में SMS आएगा, किसान SMS को लेकर अपनी फसल को मंडी में बेच पाएगा। देखिए, अगर वो आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहता, बेचता है तो बेचे। हमने तो ये कहा है कि हर किसान हमारा नेता है, अगर वो किसान ये महसूस करता है कि मुझे तकलीफ है, मुझे पीड़ा है, मुझे न्याय मिलना चाहिए और मुझे इस महायज्ञ में शामिल होना चाहिए तो हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। अब बाकी जहाँ तक रह गया सवाल, हम तो अहिंसक हैं, अहिंसक रहेंगे, पर ये सरकार की नीयत पर भी विश्वास खड़ा होता है कि सरकार इस आंदोलन को हिंसक बनाती है या अहिंसक बनाती है। जैसे कि 25-25 हज़ार की मुचलके भरवा रहे हैं किसानों से, हमने कहा कि मुचलके भरवाओगे काली पट्टी लगाएंगे और 31 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। तब कल की कैबिनेट में सरकार बैकफुट पे आई है और कहा कि अब हम मुचलके नहीं भराएंगे। आज नया समाचार है कि 40 लाख के लठ खरीदे पुलिस ने डंडे, तो अब डंडे से बात करेगी हमसे पुलिस सरकार। हमारी प्रार्थना सरकार से ये है कि किसान दुखी है, बेचैन है, उसकी समस्या के समाधान की ओर बढ़िए, कि लाठी गोली डंडे की भाषा छोड़िए। लाठी गोली से जो सरकार बात करती है, उस सरकार का अंत बहुत जल्दी हो जाएगा।